हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय कोमा जिस प्रकार कोई वृक्ष योजनाबद्ध काट छांट के द्वारा जीवन और उत्पादकता की दृष्टि से ताजगी प्राप्त करता है कोमा उसी प्रकार सनातन धर्म के वृक्ष को अनेक महान विद्वानों ने क्रमशः संवारा और वह आज तक शक्तिवर्धक बना हुआ है। स्टॉप। इसमें रामकृष्ण परमहंस तथा उनके शिष्यवर स्वामी विवेकानंद का योगदान ऐतिहासिक महत्व का है। स्टॉप। परमहंस जी ने साधना पूर्वक धर्म की जो अनुभूतियां प्राप्त की थी, स्वामी विवेकानंद ने उनसे व्यावहारिक सिद्धांत स्थापित किया। स्टॉप। स्वामी विवेकानंद ने सबसे बड़ा कार्य धर्म की पुनः स्थापना का किया। स्टॉप। अभिनव भारत को जो कुछ कहना था कोमा वह सब विवेकानंद के मुख से भाषा एवं विचारों के रूप में प्रकट हुआ। स्टॉप। विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति ही दर्शन है कोमा परिणाम स्वरूप स्वामी विवेकानंद ने दर्शन के आध्यात्मिक पक्ष को और अधिक सुदृढ़ करके प्रक्षेपित किया। स्टॉप। विवेकानंद वह सेतु है जिस पर प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय संस्कृति आलिंगन करती है। स्टॉप। विवेकानंद वह समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति कोमा राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता तथा उपनिषद और विज्ञान सभी कुछ सम्मिलित हैं। स्टॉप। ठाकुर रविंद्रनाथ ने कहा यदि कोई आत्मा को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। स्टॉप। पैरा। नई पीढ़ी के लोगों में उन्होंने भारत के प्रति भक्ति जगाई कोमा उसके अतीत के प्रति गौरव एवं भविष्य के प्रति आस्था उत्पन्न की। स्टॉप। स्वामी जी ने एक नवीन मानव जाति की कल्पना की जो आत्म बलिदान कोमा आत्मनियंत्रण कोमा आत्मसमर्पण और आत्मविश्लेषण जैसे मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत हो। स्टॉप। स्वामी जी राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति का संदेश देते थे। स्टॉप। धर्म और संस्कृति के द्वारा देशभक्ति एवं राजनीतिक मानसिकता स्वतः ही प्रफुल्लित हो उठती है। स्टॉप। स्वामी जी का मत था कि भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पहले विकसित हुई। स्टॉप। तदुपरांत राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ। स्टॉप। आदिकाल से ही भारतीय संस्कृति ने विश्व संस्कृति का नेतृत्व किया। स्टॉप। परंतु आधुनिक भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीयता का संरक्षक होने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को ही जाता है। स्टॉप। स्वामी जी ने ही भारतीय संस्कृति की पताका को संपूर्ण विश्व में फहराया। स्टॉप। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में जाने के कई उद्देश्य उनके मस्तिष्क में स्थापित हुए थे। स्टॉप। वे भारतवासियों के कई अंधविश्वासों को तोड़ना चाहते थे। स्टॉप। वे भारतीय आध्यात्मिक विचारों और आदर्शों का प्रचार यूरोपीय देशों में करके संपूर्ण भूमंडल पर एक नवीन विचारधारा का सूत्रपात करना चाहते थे। स्टॉप। स्वामी जी ने हिंदुत्व की वकालत करते हुए यह उल्लेख किया कि हिंदू धर्म किसी सिद्धांत अथवा नियम का नाम नहीं अपितु हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले सदैव अप्रत्यक्ष ज्ञान के लिए निरंतर चिंतनशील रहते हैं। स्वामी जी के विचार आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे। स्वामी जी की व्यावहारिकता यह रही कि यूरोप तथा अमेरिका को उन्होंने संयम एवं त्याग का महत्व समझाया। स्टॉप। जीवन की सफलता आध्यात्मिक उन्नति पर निर्भर करती है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पवित्रता भक्ति कोमा विनयशीलता कोमा निस्वार्थता और प्रेम का विकास करे। स्टॉप। पैरा।
महोदय कोमा भारत में दरिद्रता का साम्राज्य था स्टॉप। इसलिए स्वामी जी ने आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ दो मुख्य आदर्शों कर्म ही पूजा है तथा मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है कोमा की शिक्षा भी प्रदान की स्टॉप। स्वामी जी ने विश्व भ्रमण करके देख लिया था कि नई मानवता कितनी उच्छाल एवं बलवती है स्टॉप। स्वामी जी बार बार कहा करते थे कि भारत का कल्याण शक्ति की साधना में है स्टॉप। वे उस प्रकार के सुधारक कोमा और संत थे जिसकी अनुभूति में पुराने धर्म नवीन रूप ग्रहण करते हैं स्टॉप। सच्ची इसोपासना यह है कि हमें अपने मानव बंधुओं की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए स्टॉप। स्वामी जी ने मानवता को सर्वोपरि माना है स्टॉप। उन्होंने संपूर्ण विश्व को एक परिवार के समान प्रस्तुत किया स्टॉप। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों स्टॉप, स्वामी जी का संदेश था कि आपस में मिलजुल कर रहो और इसी भारतीय एकता के महत्व को स्वामी जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है स्टॉप। मन से एक बनो कोमा विचार से एक बनो स्टॉप। मन से एक होना समाज के अस्तित्व का सार है स्टॉप। जीवन का धर्म आदान प्रदान है स्टॉप। धर्म व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी है स्टॉप। स्वामी जी ने सब धर्मों को एक समान नीति का प्रवर्तक माना है स्टॉप। कोई धर्म छोटा अथवा बड़ा नहीं कोमा दोष किसी धर्म में नहीं अपितु धर्म के गलत विश्लेषण में है स्टॉप। पैरा स्वामी जी ने कहा कि हमें धर्म का आधार नहीं छोड़ना चाहिए स्टॉप। याद रखो, यदि तुम पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के चक्कर में पड़कर आध्यात्मिकता का आधार त्याग दोगे तो उसका परिणाम होगा कि 3 पीढ़ियों में तुम्हारा जातीय अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि राष्ट्र का मेरुदंड टूट जाएगा स्टॉप। उनकी महान मानवीयता और सच्ची सार्वभौमिक भावना हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है स्टॉप। मृत्यु भय कभी कभी मनुष्य को सताता है स्टॉप। अपना मरण तथा स्वजनों का देहावसान आदि अनागत भविष्य के सोच विचार में कोई कोई भय खाता है कोमा दुखी हो जाता है स्टॉप। ऐसी दुश्चिंता क्यों स्टॉप। कभी कभी मनुष्य मृत्युंजय की कल्पना करता है स्टॉप। भगवद गीता के अनुसार अज्ञानी को ही मृत्यु भय होता है स्टॉप, आत्मज्ञानी को नहीं है स्टॉप। जीवन की सफलता के लिए आत्मज्ञान परम आवश्यक है स्टॉप। आत्मज्ञानी का मन सुदृढ़ हो जाता है स्टॉप, उसे मृत्यु भय नहीं होता है स्टॉप, वह अधिक बलवान और धैर्यशाली होता है स्टॉप, विजयी होता है स्टॉप, वह अनश्वर है स्टॉप, उसकी आत्मा अमर है स्टॉप, आत्मज्ञान श्रेष्ठ विद्या है स्टॉप, उसके अभाव में भौतिक अभ्युन्नति की उपस्थिति में भी मनुष्य अशांत तथा दुखी रहता है कोमा दुर्बल हो जाता है स्टॉप। अतः इस वैज्ञानिक युग में आत्मज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक स्त्री पुरुष को अनिवार्य है स्टॉप। आश्रम वासियों की अपेक्षा गृहस्थाश्रमी को आत्मबोध या आत्मज्ञान की आवश्यकता आज ज़्यादा पड़ रही है स्टॉप। आत्मज्ञानी के चेहरे पर शांति एवं चैतन्य विद्यमान है स्टॉप। मानव के शरीर में एक ऐसी शक्ति विशेष है कोमा जिसे किसी भौतिक उपकरण द्वारा जाना नहीं जा सकता स्टॉप।